अपने चाचा के घर में भतीजे ने किया हाथ साफ, कुंडीपुरा पुलिस को मिली कामयाबी, आरोपी भतीजा पुलिस की गिरफ्त में। जिला अस्पताल प्रबंधन पर बच्चा बदलने का आरोप, रात को जिसे बताया था बेटा सुबह उसे बेटी बताया, परिजनों ने किया हंगामा। छिंदवाड़ा में दबंगों के हौसले आसमान पर, चार फाटक स्थित आशियाने को जमींदोज किया गुंडों ने, बिना जानकारी तोड़ दिया मकान। और लगातार समस्याओं का कारण बन रही लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन पर निगम अधिकारियों की मेहरबानी, खजरी रोड पर तोड़ी पाइपलाइन, जल सप्लाई हुई प्रभावित। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा रही। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विगत दिनों हुई चोरी की घटना पर पुलिस को कामयाबी मिलते हुए पुलिस ने चोर को धर दबोचा है। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली श्रीवास्तव कॉलोनी में चोरी का मामला सामने आया, जिसमें सीएसपी सहित कुंडीपुरा टीआई ने फरियादी अशोक शर्मा के घर पर उन्हीं के भतीजे को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। सीसीटीवी की मदद से आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी के पास से 5,50,000 का सोना सहित नगद राशि बरामद की गई। ये थाना कुंडीपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक श्रीवास्तव कॉलोनी है, उसका वार्ड नंबर 7 में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसके फरियादी अशोक शर्मा द्वारा हमें सूचना दी गई और उसी सूचना पर तत्काल ही प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए अज्ञात आरोपी और जो चोरी में गया हुआ माल था उसकी पता तलाश जारी की गई और निरंतर प्रयास करते हुए और उनके द्वारा भी कुछ संदेह व्यक्त किया गया जो फरियादी थे अशोक शर्मा जी, और उनके घर के सामने सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था, उस फुटेज में भी कुछ संदिग्ध का चेहरा मैच करता हुआ दिखा। तो हम लोगों के द्वारा संदिग्ध या जो आरोपी पकड़े गए हैं प्रिंस शर्मा, उनसे पूछताछ की गई, सघन पूछताछ की गई, तो उनने ये चोरी की घटना को खुद से करना कबूल किया और साथ ही अपने स्वयं के घर में ले जाकर उक्त ये जो माल रखा हुआ है इसका बरामदगी करवाया। यही घटनाक्रम था और इसमें कुल मिला के एक जो रोड जिससे उनने ताले तोड़े थे वो बरामद हुआ है, एक मोटरसाइकिल होंडा साइन क्रमांक MP28MD0318 और चोरी में गया जो सोने चांदी के जेवरात थे जिनमें सोने का रानी हार एक नग, सोने का पान पत्ती हार जिसमें 8 पत्तियां व डबल कुंदे का पेंडल, सोने के कान के झाले एक नग, सोने की झुमकी एक नग, सोने के कंछड़ी लगे छाले एक नग, सोने के कंगन 2 नग, सोने का मंगलसूत्र जिसमें 8 बड़े लंबे और 8 गोल सोने के मोती, सोने की अंगूठी 1 नग, सोने के टॉप्स 2 जोड़ी, सोने की लौंग 3 नग, सोने की नथनी व हार, चांदी की पैर पट्टी 4 जोड़ी, चांदी के सिक्के 9 नग, HMT कंपनी की हाथ घड़ी 1 नग जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी, नहीं साथ में ये 10,000 रुपये नकदी बरामद हुए। कुल जो हमारा माल मसरूका है वो 5,50,000 रुपये का बरामद हुआ है। इसमें विशेष रूप से हमारे TI कुंडीपुरा देहात कुंडीपुरा थाना प्रभारी और धर्म टेकरी चौकी प्रभारी और उनकी पूरी टीम जिसमें सालिक राम भलाबी, रमेश दुबे, अवराब, सुरेंद्र बिंदवारी, शिवराज और सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अकेले एक सिंगल व्यक्ति ने ये घटना जी करी। रिश्तेदार था उनका, नजदीकी रिश्तेदार, भतीजा है उनका। तो ये इसकी पहली ही, इसके द्वारा की पहली मतलब वारदात है, आदत नहीं है, कोई वजह चोरी की कोई वजह अभी तक सामने नहीं आई है, घर में कोई नहीं था, उसी चीज का इसने फायदा उठाया। जिला अस्पताल में बच्चे बदलने का मामला सामने आया, जिसका आरोप परिजनों द्वारा अस्पताल स्टाफ पर लगाए गए। जिला अस्पताल में मेगा सिवनी के रहने वाले विश्वकर्मा परिवार ने आरोप लगाया कि गायनेक में डिलीवरी के बाद उन्हें पुत्र होने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद अगले दिन उन्हें लड़की की जानकारी दी गई, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर बच्चे बदलने का आरोप लगाया, जिसको लेकर देर रात हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। नहीं, आपके पास रिकॉर्ड है। आप मुझे एक चीज बताइए कि लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है?
तब आप लोग जानकारी किसको देते हो? टैग लगाते हैं बच्चे के ऊपर, और अगर बहुत क्रिटिकल बेबी होता है ना तो हम उसको लेके आए। आपको ये पता नहीं होता कि लड़की है कि लड़की? तो मालूम होता है हमारे एसी के अंदर। तो फिर ये कैसे होता है कि लड़की खत्म हो गई कि लड़का खत्म हो गया? लड़का खत्म हो गया, यही बात करेंगे तुमसे। लड़का खत्म हो गया या लड़की खत्म हो गई? जो हमारे पास में जो बच्चा खत्म होगा उसी की जानकारी देंगे, उसी की जानकारी रोज मिलती है। उनको दिन में तीन बार बुलाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तीन बार आते हैं, जानकारी लेके जाती है, तीन बार बच्चा दिखाया जाता है। आप कितनी बार यहाँ पे पेशेंट को अंदर को पेशेंट के जो रहते हैं रिलेटिव में पिताजी को कभी मना नहीं? कितनी बार मना? पिताजी बार जाने के लिए पिताजी को हम दिन में तीन बार अलाउ करते हैं। तीन बार अलाउ करते हैं, बहुत बढ़िया। तीन बार आप अलाउ करते हैं? आपने देखा उसको? आपने बताया इसमें देखा? आपने सात दिन तक एडमिट है? ये लड़का था और हमको सात दिन में हमको ये लड़का था? लड़का था? कोई लड़का है? हमको दिखाए नहीं हो आपने, दिखाए नहीं हो सर, वहाँ से सीरियस था, आपने सीधे अंदर एडमिट किया है। उन्होंने भी हमको बेटा बोला। देखिए आपका आपने कभी गलत नहीं किया, लेकिन मैं स्टाफ का एक सारी जानकारी चाह रहा हूँ। लड़का था तो लड़का कहाँ गया? क्यों बोल रहे हो कि लड़की खत्म हो गई? नहीं नहीं नहीं, आपने बताया तो लड़की था बबलू भैया, एक बच्चे को छोड़ने के बाद में बाकी सब बच्चे हमारे रिकॉर्ड में हैं। कुछ हो या ना हो आपने ये फाइल में लिखे हो? आपने ये फाइल में लिखे हो? आपने सिग्नेचर है सर? नहीं आपकी फाइल है, आपके मैं कोटवाली में अभी सिग्नेचर एफ आई आर करवाऊंगा सबसे पहले, है ना। इसकी मैंने फोटो भी लेके और सीएम हेल्पलाइन में भी करवा दिया, उसका भी व्हाट्सएप कर दिया। ये आपकी नहीं है ना? किसकी है भैया? एक मिनट फोकस करना, ये आपकी नहीं है। गायनिक की फाइल, ये फाइल आपकी, ये मेरे हाथ में फाइल रखी है, ये इनकी नहीं है। गायनिक की ये फाइल इनकी नहीं है। गायनिक की है तो अपना कौन है? इंचार्ज जो होता है गायनिक का सिग्नेचर है इसमें। आपने बोले हो हॉस्पिटल की फाइल नहीं है, ये इन्होंने बोले है की फाइल हॉस्पिटल की फाइल। एक मिनट एक मिनट, ये इन्होंने बोले है की हॉस्पिटल की फाइल ये नहीं है, ये हॉस्पिटल की फाइल है। आप बताइए, आप बताइए हॉस्पिटल की फाइल है? अपने अपने पहले के बाद चलो, ये हॉस्पिटल की फाइल है? कोई आदमी कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ गलत हो चुका होगा। अब मेरा गलत नहीं होने देंगे, हम लोग गलत नहीं होने देंगे। किसी का बच्चा किसी को दे रहा हो गलत बात है? नाम बताइए आप, नाम बताइए, बताओ नाम बताइए आप, नाम बताओ। मैडम बहुत बढ़िया, ज्योति कॉलेज ही आपने बताया कि ये बच्चा है, आपने बोले कि लड़की खत्म हो गई, लड़का खत्म हुआ कि लड़की खत्म हुई? सही बताओ मेरी अंदर ड्यूटी, आप बताइए लड़का खत्म हुआ या लड़की? लड़का खत्म हुआ या लड़की? आपने क्या बोले कि लड़का खत्म हुआ या लड़की? क्या नाम आपका? रोहित डेरिया। क्या हुआ आपके साथ में? हमारे साथ में ये हुआ कि फाइल जब बनी तो फाइल में लड़का लिखा था और हमारे हाथ में थमा दी हमने लड़की उठा के, वहाँ से जब अंदर पता चले कि आपको बेटा नहीं बेटी हुई, और यहाँ पे साइन करवाते वो जल्दी जल्दी बाजी में क्या हुआ कि वो बच्चे बोले देर से हुई हैं तो आपको आपको फट से ले जाके आईसीयू में भर्ती करवाना करके उन्होंने एक पर्ची दी और सीधे आईसीयू पहुंचा दिए। बस आईसीयू पहुंचा दिए उसके बाद पता चला कि लड़की। कितनी तारीख को आपने भर्ती करवाया था? 21 तारीख को। क्या बताए थे, कितने दिन बाद हुआ? 21 तारीख को हम
सुबह 8-9 बजे के आसपास आ गए थे और 11:00 में लड़का पैदा हुआ था। आपको किसने बताया ये सब बातें? लड़का वो है किसने बताया? लड़का ये फाइल में लिखा है और हमको अच्छा। लड़की प्राप्त हुई। लड़की कब प्राप्त हुई आपको? लड़की उसी दिन प्राप्त हुई। उसी दिन लड़की प्राप्त हुई तो इसमें लड़का लिख के उसको लड़की पकड़ा दिया। आपके सामने लिखे? नहीं नहीं हमारे सामने नहीं, फाइल में तो अभी भी लिखा था पर इसमें मात्रा लगाई गई है। अभी क्या लिखा था? अभी इस पे लड़का लिखा था। जब हम यहाँ से लड़की ख़त्म होने के बाद यहाँ से जब वहाँ चले गए मोक्ष धाम तो यहाँ पे जब वहाँ से इन्हें फ़ोन करके बताया, बोले कि आपका लड़का था तो वहाँ पे हमारे पास तो लड़की। किसने बताया? फ़ोन किसी ने लगाया था यहीं हॉस्पिटल से मैडम। तो उसके बाद में लड़की कैसे लिखाया? लड़की इसके ऊपर से मात्रा लगाई गई। किसने लगाई? तो मैडम साइन किया आपको पता होगा ना इसके बारे में? तब तो इस पे लड़का लिखा था, अब बाद में इस पे लड़की बना दिया गया उसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित देहरिया। कहाँ से आए हो? मेगा सिंह। कब आए थे आप लोग? 21 तारीख को। किस लिए आए थे? भाभी को लेकर। किस लिए? क्या हुआ था? बेटा बताए थे। हम्म, बेटा बताए थे। फिर क्या हुआ? फिर आईसी रूम में ले गए, देखने भी नहीं दिए। सीरियस है, रोई नहीं है, रोया नहीं बच्चा ने, सीरियस है। हमने देख भी नहीं पाया, आईसी रूम में ले चले गए उसको। वहाँ पे पता चला कि लड़की है। और अभी फिर लड़की थी और वहाँ पे मैं गई तो उनने बताया है कि आपको लड़का हुआ था, फाइल में भी लड़का लिखा था। आपने देखे देखे हो आपकी लड़की लड़की? कौन सी क्लास पढ़े थे? को लड़की जब दिए थे तो कैसे हालत में दिए थे आपको? सीरियस थी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद आई थी रूम में भर्ती कर दी उसको। उसके बाद क्या हुआ? खत्म हो गए वो तो। अभी उसके बाद मरी हुई। आपने देखे थे कि लड़की थी? देख नहीं पाए ना। पहली बार जब लड़का आपको बताया थे तो आपने देखा था कि लड़का हुआ था? नहीं देखे, सीरियस थी। उनने को हम देख रहे थे, उनने मैम ने बोली कि जल्दी ले जाओ, सीरियस है बहुत। अच्छा, अभी मृत अवस्था में जब देखे तब लड़की थी? हाँ लड़की, जब लड़की थी। आप कौन है उसकी? मैं दुआ, लड़की। नाम आपका? छिंदवाड़ा शहर में दबंगों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आज चार फाटक क्षेत्र में देखने को मिला। हुआ यूं कि विगत 50 वर्षों से क्षेत्र में रहने वाले दीपक पवार का घर जायसवाल परिवार द्वारा दबंगई दिखाते हुए जेसीबी के माध्यम से तोड़ दिया गया। जिस समय मकान तोड़ा गया उस समय दीपक घर में भी मौजूद नहीं थे, जिसके चलते उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई। जब उन्हें पड़ोसियों ने जानकारी दी तो वह दौड़ते भागते अपने घर पहुंचे, तब तक उनका आशियाना बिखर चुका था। 25 से 30 गुंडे जगह पर मौजूद थे जिन्होंने उन्हें घर का सामान तक निकालने नहीं दिया और देखते ही देखते घर मिट्टी में मिल गया। था मैं अपने 2 महीने के लिए बाहर गया था, उस बीच में इन लोगों ने मेरे को कोई खबर नहीं दी है और मेरा मकान पूरा तहस नहस कर दिए। जब सुबह तोड़ने लगे तो मुझे जानकारी नहीं थी इस बात की। जब मुझे पता चला कि मेरा मकान तोड़ रहे हैं तो मैं तुरंत आया दौड़े दौड़े और जब आके देख रहा हूँ तो पूरा मकान मेरा चौपट कर दिए, पूरा तोड़ दिए, पूरा सामान जो था उसमें पूरा बर्बाद हो गया, पूरा टूट फूट हो गया। फिर मैंने जैसे तैसे अपना सामान निकाला वहाँ से और सामान निकालने के बाद एक साइड करा, मुझे कम से कम 25-30 लड़के लेके आ गया उन्हें, 25-30 लड़के लेके आया बाहर से, मुझे डराए धमकाए और उसके बाद बोलते कि यहाँ से तेरा सामान हटा, कुछ नहीं बचा, पूरा तोड़ डाले है। और मुझे अब यहाँ से, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँगा मैं, मुझे मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि मेरी मदद की जाए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। कितने सालों से रह रहे थे आप यहाँ? मैं आज करीबन 50 साल से रह रहा हूँ, मेरे माँ बाप यहाँ पे गुजर गए, मेरा भाई भी यहीं पे गुजर गया, आज मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ। क्या नाम लिखते हो आप? मदद करें। दीपक पवार। कौन सा क्षेत्र है ये? लालबाग है, चार फाटक, पुराना महाराष्ट्र, के पीछे।
लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा किए जा रहे कार्य में लापरवाही के चलते आमजनों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खजरी क्षेत्र में विगत दिनों से जारी कार्य के दौरान लापरवाही के चलते दो बार पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते वाटर सप्लाई में लगातार बाधा का सामना करना पड़ा, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश का माहौल है। इसके उलट निगम के अधिकारी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए लगातार लापरवाही करने वाली कंपनी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। आगामी समय में क्षेत्रवासियों द्वारा बड़े आंदोलन का मन बनाया जा रहा है। खबरों में लेते हैं यहाँ छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं अलाइनर द्वारा इलाज। शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। लालबाग क्षेत्र की रेलवे क्रॉसिंग के पास रहने वाली बुजुर्ग महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। रेलवे क्रॉसिंग के पास रहने वाली बुजुर्ग महिला को सुनाई नहीं देता था, जिस कारण पटरी के पास चल रही महिला को ट्रेन की आवाज नहीं आ पाई, जिससे वह ट्रेन की चपेट में आने से कट गई। क्षेत्रवासियों ने घटना देखकर पुलिस को सूचना दी और सभी ने मिलकर महिला को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वार्ड नंबर 7 धरम टेकड़ी झोपड़पट्टी पानी टंकी के ऊपर विश्वकर्मा परिवार की अम्मा, जिसको सुनाई बिल्कुल नहीं देता था, और कल बिचारी में उससे मिली थी, वो बेटा तू चिंता मत कर ऐसा बोली, और आज रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए उनके साथ हादसा हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। वो पूरा परिवार गरीब परिवार है और उनके दुख में हम सभी शामिल हैं। जिला जेल परिसर में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने 12 बिस्तर अस्पताल का उद्घाटन किया। बड़ा जेल परिसर में स्थित पुरानी बिल्डिंग में रेनोवेट कार्य कर 12 बिस्तर का अस्पताल जेल चिकित्सालय वार्ड का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिला जेल का भ्रमण भी किया। इस दौरान साफ सफाई व्यवस्था को देख कलेक्टर ने खुशी जाहिर की। इसके साथ ही बंदियों के इलाज के लिए बंदी शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बंदियों को दवाई वितरित की गई। बंदी भाइयों की तरफ से, जेल स्टाफ की तरफ से, हम कलेक्टर महोदय और आयुष अधिकारी की पूरी टीम का बहुत स्वागत करते हैं, और ये बहुत सौभाग्य का हमारा कि कलेक्टर साहब पधारे हैं। बहुत अति व्यस्तता होती है कलेक्टर साहब को, और जिस प्रकार से कलेक्टर साहब अथक प्रयासों में लगे हैं इस जिले को नंबर 1 बनाने में, क्योंकि हम पिछले 5 वर्षों से यहाँ पदस्थ हैं, जब से कलेक्टर साहब ने ज्वाइन किया और छिंदवाड़ा का जो स्टेटस है, तो यदि हम दूसरे जिलों में भी जाते हैं तो हमारे कलेक्टर साहब के बारे में बात होती है। इसीलिए हमारा भी ये दायित्व बनता है कि कभी भी ऐसा कोई भी कार्य ना हो जेल की तरफ से, या कोई भी ऐसी परिस्थिति बने कि कलेक्टर साहब को अपने महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर जेल में आना पड़े। ये मेरे कार्यकाल का पहला दौरा है जेल का। इससे पहले अन्य कारणों से, अन्य व्यवस्थाओं के कारण, कभी कोविड के कारण यहाँ पे मेरी आमद नहीं हो पाई। बीच में कई बार मैंने प्लान बनाने की कोशिश की, लेकिन किन्हीं कब वजहों से मैं उपस्थित नहीं हो पाया। तो अच्छी बात है कि आज समस्त जन यहाँ मुझे एक साथ स्वास्थ्य शिविर के लिए आए हुए मिल गए, क्योंकि शिविर है तो जेल भी पूरा अच्छे
मेंटेन्ड यहाँ पे दिख रहा है। और हर्ष की बात ये है कि रेनोवेशन के कई सारे कार्य जेल अधीक्षक के नेतृत्व में यहाँ पर किए गए हैं, जिसको आज आप लोगों को समर्पित भी किया जाएगा। जेल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, इसमें पुरुष बंदी और महिला वार्ड दोनों का निरीक्षण किया गया। सभी चीज़ें अच्छी पाई गई, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है। साथ ही आज आयुर्वेद और अन्य जो परंपरागत पद्धतियां हैं उससे संबंधित शिविर भी रखा गया था, जिसमें सभी कैदियों को लगातार उसका परीक्षण अभी किया जा रहा है और आवश्यक उनको दवाइयाँ दी जाएंगी। एक पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करके 12 बिस्तरीय अस्पताल का भी निर्माण किया गया है, उसका भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। डॉक्टर से भी चर्चा की गई, सभी लोगों को लगातार इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, व्यवस्थाएं खाने पीने की भी अच्छी। कलेक्टर साहब ने जेल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और कुछ कार्यक्रम भी ऐसे थे जिनका उद्घाटन उनके द्वारा औपचारिक किया गया। एक हमने रेनोवेट करके पुरानी बिल्डिंग को 12 बेड के हॉस्पिटल में परिवर्तित किया है, उसका उद्घाटन, और आयुष अधिकारी के सौजन्य से जो आयुष का कैंप लगाया गया है उसका उद्घाटन कलेक्टर महोदय के माध्यम से कराया गया। उन्होंने पूरी जेल का भ्रमण किया, महिला वार्ड में भी देखा, महिलाओं बच्चों की समस्याएं जानी और बंदियों से पूछताछ की कि उनके से संबंधित यदि कोई समस्याएं हो तो अवगत कराएं। तो बहुत अच्छा रहा, कलेक्टर साहब ने अच्छे से निरीक्षण किया और कलेक्टर साहब ने प्रसन्नता व्यक्त की है जेल की व्यवस्थाओं पर, और हम हमेशा धन्यवाद देते हैं कलेक्टर साहब को कि हमेशा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आरटीओ आवागमन की व्यवस्था में लगा हुआ है, जिसको लेकर गाड़ियों का अधिग्रहण किया गया। परिवहन द्वारा अधिकारियों को ड्यूटी तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था के तहत वाहनों का अधिग्रहण कलेक्ट्रेट के सामने किया गया, जिसमें आरटीओ निशा चौहान ने अधिकारियों के आवागमन हेतु गाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित की। चुनाव के लिए सेक्टर ऑफिसर्स के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें छोटी गाड़ियां हैं जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो, टेम्पो टैक्सी सब गाड़ियाँ हैं। साथ करीब 80 गाड़ियों का अधिग्रहण किया गया है। 40 गाड़ियां तो खैर ऐसी हैं जो खुद ही दी हैं, जिला के 80 गाड़ियों का है और बाकी। आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन नगरपालिक निगम के सभाकक्ष में हुआ, जिसमें निगम आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली। साप्ताहिक समीक्षा बैठक के साथ राजस्व विभाग के मसलों और पेयजल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक में निर्णय लिए गए। आगामी समय में पानी, सड़क अतिक्रमण जैसी सुविधाओं को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतों के जल्द निराकरण की व्यवस्था बनाने के लिए भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आपने तो लाइन गली हुई है, उसी को चार्ज कर दे रहे हैं, उसी को चार्ज करके जोड़ दो। इसका क्या हुआ, खजरी में जो तोड़ दिया पाइपलाइन, अभी तो सब टूटी है। ये तो रायपेटी की पहले टूटी है, ठीक है, वो उसने तोड़ा था सर। अभी तो सर ये करो, राय बेकरी की पहले जो लाइन अपनी यहाँ तक बीच में डली हुई थी उसको हम शिफ्ट नहीं कर दे रहे कोने के, राय बेकरी कर रहा था, और वो जो आश्रम आपको आश्रम से लेकर दारूपट्टी तक वहाँ तक जो पूरी उखाड़ दिया हुआ, नई की नहीं लाइन, ये लक्ष्मी वाली 1500 मीटर। दो साल पहले की डली अपनी, और इन्हीं से इनका एक आर्या था EPWD, उससे ली थी हमने लेआउट। उतनी गहराई से नहीं, नाली बना रहे थे किनारे। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। अपने चाचा के घर में भतीजे ने किया हाथ साफ, कुंडीपुरा पुलिस को मिली कामयाबी, आरोपी भतीजा पुलिस की गिरफ्त में। जिला अस्पताल प्रबंधन पर बच्चा बदलने का आरोप, रात को जिसे बताया था बेटा सुबह उसे बेटी बताया, परिजनों ने किया हंगामा। छिंदवाड़ा में दबंगों के हौसले आसमान पर, चार फाटक स्थित आशियाने को जमींदोज किया गुंडों ने, बिना जानकारी तोड़ दिया मकान। और लगातार समस्याओं का कारण बन रही लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन पर निगम अधिकारियों की मेहरबानी, खजरी रोड पर तोड़ी पाइपलाइन, जल सप्लाई हुई प्रभावित। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।